राम राम जी, आप लोगों का स्वागत है दादा जी के ढाबा में। तो आज बहुत ही हम हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो है लौकी का पराठा। को पता है लौकी इतना हेल्दी होता है और इसका पराठा बनाएंगे। जो बच्चे या बड़े आदमियों को जिनको जिनको लौकी तो वैसे सबको पसंद है, लेकिन जो आदमियों को नहीं भी पसंद है उनको भी पसंद आने वाला है, जो कि हम इस तरह से पराठा बनाने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसके साथ एक स्पेशल बनाएंगे चटनी पराठे के साथ खाने के लिए। तो चलिए खेत में आ गए हैं, यहाँ से घिया ले लेते हैं, यानी कि लौकी ले लेते हैं, टमाटर दे देते हैं, हरी मिर्च दे देते हैं और फिर चलते हैं बनाएंगे। कितना बड़ा बड़ा घिया हुआ पड़ा है, देखिए एकदम जम्बू साइज देख रहे हैं। यहाँ देखिए खेतों में बहुत सारा लौकी है। एक देखिए, हम लोग तो इस तरह का एक छोटा लौकी चाहिए क्योंकि पराठे के लिए, लेकिन आज हम लौकी एक खेत में आए हैं ना, ये देखिए कितना जम्बू जम्बू लौकी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ बड़ा बड़ा लौकी हुआ पड़ा है, ये देख सकते हैं पूरा खेतों में लौकी लौकी हुआ पड़ा है। तो यहाँ से हमें एक पराठे के लिए चाहिए, यहाँ पे हमें छोटा लौकी चाहिए, देखिए इस तरह का पराठे बनाने के लिए। लौकी तो दे दिए, अब चलते हैं टमाटर, यहीं पे है टमाटर दे देते हैं। यहाँ से टमाटर दे देते हैं, हमें पका टमाटर नहीं चाहिए, कच्चा टमाटर का हम चटनी बनाएंगे। तो कच्चा टमाटर दे देते हैं, तो यहाँ से एक गांठ धनिया का बचा हुआ, ये भी उखाड़ देते हैं बहुत दिनों के बाद। अब धनिया का लास्ट हो गया है, चलते हैं। अब घिया का सब आज तोरी का सब्जी बनने वाला है, इस वजह से खेत से तोरी भी जाकर रख देते हैं। ये थोड़ा लोभिया है, इसको भी रख देते हैं और हमें जो बनाना है उसको शुरू करते हैं। हमें थोड़ा सा हरी मिर्च चाहिए, घिया चाहिए, धनिया पत्ता चाहिए और टमाटर चाहिए। थोड़ा सा अदरक और ये दो प्याज, ये सारे चीज़ों को हम धो लेते हैं सबसे पहले। इसे हमें बारीक वाले से कद्दूकस कर देना है। अगर बारीक, एक सबसे बारीक होता है ये, इसमें बारीक किसमें तीन होता है किसी में दो होता है। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा है उसने ही, उससे छोटा है उससे करेंगे। हमें कद्दूकस करना है और घिया एकदम पतला पतला हो जाना चाहिए बस। एकदम लौकी पराठे बनाने के लिए लौकी एकदम कच्चा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक को भी कद्दूकस कर देंगे, या बारीक बारीक आप काट सकते हैं। अदरक को भी इसी में डाल देंगे। अब प्याज को भी हम बारीक बारीक काट देंगे। मोटा काट,
पराठे में जितना चीज आप डालते हैं ना, जैसे हरी मिर्च, प्याज, अदरक, इस धनिया पत्ता, सब बारीक बारीक काटिएगा ना तो पराठा कम फटता है, और अगर मोटा मोटा आप काट देते हैं तो पराठा फटने लगता है या अलग अलग प्याज मिर्चा दिखने लगता है। तो इस वजह से इसको बारीक बारीक काटेंगे। हरी मिर्च इसमें हम 5 डाल रहे हैं और इसे भी बीच से कट लगा के और बारीक बारीक काटेंगे। तो जो यहाँ पे घिया कद्दूकस करके रखे हैं उसको डाल देते हैं अदरक के साथ। अदरक आप आगे पीछे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे डाल देंगे हम धनिया पत्ता, प्याज और हरी मिर्च। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इसमें का हमने पानी निकाला नहीं है घी का, इसको ऐसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आटा थोड़ा थोड़ा डाल के एक टाइट डो बना देंगे। इसको टाइट डो जब बनाइएगा ना, तो जब इसको थोड़ा देर के लिए भी रखिएगा तो इसमें से पानी इंक्रीज होने लगेगा, मतलब ये पानी छोड़ने लगता है, क्योंकि घिया में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, वो भी हमने पानी निकाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है पानी घिया का, इस वजह से निकालना ज़रूरी नहीं है। बस इसको टाइट डो बना दे और फटाफट पराठा बनाना शुरू कर दे, बस इसको रेस्ट पे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि घिया कम पानी छोड़ता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी गूंद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घिया का पानी से ही गूंदेंगे, आपको थोड़ा सा और भी आटा और ज़्यादा लगाना हो, थोड़ा सा पानी डाल के और आटा को बढ़ा सकते हैं। तो पराठे के लिए आटा लगा लिए हैं, अब चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जल गया, इस पर तवा रख लेते हैं पराठा बनाने के लिए। तो पराठा आप किसी तरह से ही बना सकते हैं, गोल, चकोर, किसी तरह से भी, छोटा छोटा लोई देंगे। ये हम बना रहे हैं दोस्ती, आटा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पानी छोड़ता ही रहता है, तो इसको रेस्ट पे रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, रखिएगा तो और परेशान हो जाइएगा, मतलब बनने में देरी होगी। देसी घी, बटर, सरसों का तेल, रिफाइन ऑयल किसी में ही बना सकते हैं। थोड़ा तेल लगाना है या ब्रश से लगा लें इस तरह से थोड़ा, और फिर इसको एक पैक चिपका दें इस तरह से, और फिर इसको और आगे बढ़ा दें। इससे भी आपको छोटा बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन पराठा और छोटा क्या बनाना है, हल्का हल्का तेल, घी, बटर या परथन कुछ भी लगा सकते हैं। तो तवा गरम हो गया है, अब इसी में पराठे को डाल देंगे। एक तरफ हो जाएगा, जैसे हम आम पराठे बनाते हैं उसी तरह हमें बनाना है। अगर आपसे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा ये, तो आप क्या करें, यह हमारे संभाल में नहीं आएगा, तो आप इसको नमक इसमें नहीं डालें। और नमक कब डालिएगा, पराठे ऊपर से बन जाए तो काला नमक नहीं डालते हैं, उस तरह से ही बना सकते हैं। जैसे हम नमक और प्याज का पराठा बनाते हैं ना, कभी नमक का ही पराठा बनाते हैं, कभी प्याज का ही बनाते हैं, प्याज ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है तो हम क्या करते हैं, बेलते समय ही नमक डाल के फटाफट डाल देते हैं, तो वैसे भी आप डाल सकते हैं। जब थोड़ा सा पराठा सीख जाए ना, तभी आप तेल, घी, बटर कुछ भी लगाइएगा। अब हल्का हल्का इस पर जो भी आप लगा रहे हैं उसे लगा लीजिए, क्योंकि हल्का ही सीख गया है पराठा। तो आप इसका शेप कोई भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है।
इसी तरह बाकी पराठे हम बना देते हैं। तो हमें कच्चे टमाटर का बनाना है, पका टमाटर का भी बना सकते हैं, कच्चा टमाटर का और ज़्यादा टेस्टी चटनी बनता है। टमाटर को इसी में डाल देंगे क्योंकि इसको पकने में टाइम लगेगा। यहाँ देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब देख लेते हैं कि चटनी देख रहे हैं इसी तरह का पका होना चाहिए बस। देख रहे हैं यहाँ के लहसुन भी हम डाल दिए थे इसमें। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, तो पराठा में भी नहीं डालें और चटनी में भी नहीं डालें। तो यहाँ पे सबको हम छील देते हैं, लहसुन को भी छील देंगे और टमाटर को भी छील देंगे। पकने से लहसुन टमाटर का ना टेस्ट ही बदल जाता है बिल्कुल। तो टमाटर भी साफ कर दिए हैं, लहसुन भी छील दिए और दो हरी मिर्च इसमें डालेंगे। और इसका कलर देख रहे हैं, एकदम रियल कलर है। वैसे आप इसमें लाल मिर्चें पीस सकते हैं। चटनी में स्वाद अनुसार नमक या आधा टीस्पून से भी कम, थोड़ा सा सरसों तेल। अब इसको मिक्स कर देंगे। जब बाजार में टमाटर महंगा हो जाता है, यानी कि पका टमाटर अगर 80 रुपये किलो बिक रहा हो तो कच्चा आपको 30 रुपये किलो मिलेगा, तो आप चटनी बना सकते हैं, उसको सब्जी में भी डाल सकते हैं। कच्चा टमाटर भी बहुत टेस्टी बनता है, इसको भी आप आजमा के देखिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत बार इसको आजमाता रहता हूँ। तो चलिए चटनी ही बन गया, पराठा ही बन गया, आप सर्व कर देते हैं। तो चटनी सबसे पहले डाल देते हैं, आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ देखिए घर का जमा हुआ दही है। जिन जिन दोस्तों को दही जमाने नहीं आता है, तो ये रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे भी देख सकते हैं आप। और देखेंगे दही तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए कितना, इसको भी सर्व कर देते हैं, क्योंकि दही के साथ भी आप पराठा खा सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो दही के साथ वो ले सकते हैं आप, हमें तो गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ देखिए अभी हम फिलहाल 4 पराठा बनाए हैं। ये 2 पराठा घी का मतलब तेल वाला है और 2 पराठे हमने बनाए हैं परथन से। और सारे पराठे आप देखेंगे ना एकदम बिल्कुल खुला खुला एकदम, देखिए पराठे देख रहे हैं। प्याज भी हमने बहुत डाल रखा है, आपको पसंद ना हो तो प्याज ना डालें। ये देखिए पूरा पराठा एकदम, इसे हम सर्व कर देते हैं। और पराठे को प्याज और हरी मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पूरा प्लेट तैयार हो गया है, लौकी के पराठे के साथ, हरी टमाटर की चटनी और दही के साथ। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, घर में आए मेहमान को भी दे सकते हैं और अपने भी खा सकते हैं, जब दिल करे जब बनाइए लौकी के पराठे। तो ये हमारा लौकी के पराठे की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही नहीं भूले। और हमें आप लोगों के लिए कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारा ID दादाजी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।